मेरे ख्याल से अब ईडी के छापों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ईडी एक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, वो किसी के भी घर में जा सकता है, किसी के यहां भी छापा मार सकता है। हाँ, एक चीज है कि अगर आप मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ईडी के छापे से सुरक्षित रहेंगे, सीबीआई के छापे से सुरक्षित रहेंगे। कोई भी भ्रष्टाचार और गुनाह आप कर लीजिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी, ना सीबीआई करेगी, ना ईडी करेगी, कोई कार्रवाई नहीं। तो ईडी का जो छापा है उसको इंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहिए, उसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब तो हालत ये हो गई है कि भेड़िया आया वाली हालत हो गई है ईडी की, कि किसी दिन वो सही सही किसी मामले में भी छापा मार रही होगी तब भी लोग यही समझेंगे कि ईडी मतलब राजनीतिक कारणों से ही कोई कार्रवाई कर रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता जो उनकी कंपनियों से जुड़े कुछ जगहों पे छापे पड़े, आपने एक ट्वीट किया जो तरह से रिपोर्ट को लेकर उसे देखिए ऐसा है कि भाई आप छापे मार रहे हैं, कभी अभिषेक बनर्जी के यहाँ, कभी किसी नेता के यहाँ, कभी किसी नेता के यहाँ, हर पार्टी के नेताओं पे आप छापे मार रहे हैं, मारिए। आपने ईडी को इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोदी वॉशिंग पाउडर से जो लोग धुल जाते हैं, नहा लेते हैं, जिनकी सफाई हो जाती है, उनके यहां छापे क्यों नहीं पड़ते? आप बताइए, हिंडनबर्ग की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, कोई छापा पड़ा अडानी ग्रुप के ऊपर? आप बताइए, इतनी बड़ी सीएजी की रिपोर्ट अभी आई, वो रिपोर्ट क्या कहती है? 75,000 किलोमीटर का भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें प्रति किलोमीटर 15 करोड़ रुपए लागत बढ़ा दी गई। और किसने बढ़ाई ये लागत? सीसीईए ने बढ़ाई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, जिसमें गृह मंत्री होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो सीसीईए 75,000 किलोमीटर के भारतमाला प्रोजेक्ट में प्रति किलोमीटर 15 करोड़ रुपए की लागत बढ़ाती है। लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की योजना भ्रष्टाचार की तैयार होती है, उस पर कोई कार्रवाई आप देख रहे हैं? कोई ईडी सीबीआई कहीं कुछ हरकत में आ रही है? और किसको ठेके मिल रहे हैं? मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त भारतमाला के प्रोजेक्ट में ठेका पा रहा है, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप कहिए महंगाई कम कर दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहिए नौजवानों को रोजगार दे दो, कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहिए किसान को फसल का दाम दे दो, कहते हैं पैसा नहीं है। तो सारा पैसा जब आप अपने दोस्तों के ऊपर लुटाएंगे तो देश में महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है।